वर्धा में किस तरह से बिक रही है अवैध दारू। NNTV ने खुफिया रिकॉर्डिंग करके बिरयानी की होटल में दारू बिकने का एक मामला पर्दाफाश किया है और हमें आपकी मदद लगेगी इसके लिए। इस वीडियो को आपको हर ग्रुप में हर पेज पर शेयर करना पड़ेगा। हमारे रिपोर्टर ने अपनी जान को हथेली पर रख के ये वीडियो बनाया है। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, बने रहे वीडियो में। वर्धा के देवली गांव में लक्की बिरयानी सेंटर है। बिरयानी सेंटर की आड़ में यहां लोगों को दारू परोसी जा रही है और सबसे सदमे की बात यह है कि वर्धा हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गांव माना जाता था। 1934 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां आए थे और उन्होंने यहां पे अपनी कुटिया बनाई थी जो सेवाग्राम आश्रम के नाम से मशहूर है। कुल 1387 टाउन्स है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। राहुल कारदिले यहाँ के कलेक्टर है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, लेकिन लोगों का और ख़ासकर वर्धा के आम लोगों का ये आरोप लगातार लगता रहा है कि वर्धा में दारूबंदी है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा अगर दारू कहीं बिकती है तो वो वर्धा पूरी डिस्ट्रिक्ट में। और लोगों का ये भी आरोप है कि जो लोकल पुलिस है उनका पूरा सपोर्ट लक्की चिकन लक्की बिरयानी वालों के जैसे जो दारू का अवैध कारोबार करते हैं उनको लगातार पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा लोगों का आरोप है। और यहाँ तक भी लोगों में बातचीत चल रही है कि प्रशासन का भी पूरी तरह से सपोर्ट वर्धा के माफियाओं को है और प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ये शराब का अवैध कारोबार आप जो कि देख सकते हैं।